गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले सभी बातें साइड में रख के आप सबको हैप्पी दिवाली। तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैंने अपने आप को एक हफ्ता दिया हुआ था। मुझे एक हफ्ते में अच्छे से ट्रुथ एंड डेयर्स ढूंढ के लाने थे और मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत ढूंढा और पूरा एक हफ्ता मेहनत करने के बाद मुझे अच्छे से ट्रुथ एंड डेयर मिल ही गए। और आपको ये सब सच लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसे मैंने अपने आप को एक हफ्ता दिया था, लेकिन मैं इतनी टेंशन में थी कि मैंने पहले दिन ही सभी ट्रुथ एंड डेयर ढूंढ लिए। तो और हाँ, एक और बात बता दूँ मैं, अभी मैंने ये जो प्यारी सी कुर्ती पहनी है, ये मैंने सिर्फ वीडियो के लिए ऊपर कुर्ती पहनी है, नीचे मैंने हाफ पैंट ही पहनी है। तो अभी बहुत बकबक हो चुकी है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने वीडियो का टॉपिक बताया ही नहीं। वैसे आप टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ ट्रूथ एंड डेयर चैलेंज पार्ट 2। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये रही चिट्स। मैंने पिछली बार की तरह 5 डेयर और 5 ट्रूथ्स इस चिट में लिख के लाई हूँ मैं इन चिट्स में। और एक और बात बताना, मैं प्यारी लग रही हूँ ना, मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है वैसे। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे सफल करूँगी और फिर आंखें बंद करके एक चिट पिक करूँगी जो आया। मुझे डेयर करना पड़ेगा या ट्रूथ बोलना पड़ेगा, आपको रूल्स तो पता ही होंगे, फिर भी मैंने बता दिया। तो अभी मैं सफल करती हूँ। डेयर मिला है मुझे। पोस्ट द ओल्डेस्ट फोटो ऑन योर फोन ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी। तो मतलब मुझे मेरे फ़ोन पे जो भी सबसे पुरानी फ़ोटो है वो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अपलोड करनी है। तो मैं अपना फ़ोन लेके आती हूँ, मैंने चार्ज पे लगाया है अभी। वो मैं अभी दिखा दूँ या इंस्टाग्राम की स्टोरी पे पोस्ट करूँ? वैसे मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है कि मैं ये पिक्चर अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डालूंगी, लेकिन क्लोज फ्रेंड्स वाली स्टोरी पे डालूंगी। इससे क्या होगा कि कुछ गिने चुने लोग ही देख सकते हैं मेरी ये इंस्टाग्राम स्टोरी। तो देखो, मैं स्मार्ट बहुत, बस पढ़ाई में थोड़ा दिमाग नहीं चलता, वो अलग बात है। तो मैं अभी ये डेयर कंप्लीट करती हूँ। मैं बाल का बहुत ज़्यादा ठीक कर रही हूँ। तो मैं, चलो ये डेयर कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो मैंने ये स्टोरी क्लोज फ्रेंड्स पे डाल दी है, तो ये डेयर कंप्लीट होता है। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को दिवाली स्पेशल बना पाऊँ, क्योंकि दिवाली आने वाली है यार, और मैं वीडियो भी दिवाली वाले दिन ही अपलोड करने वाली हूँ। वैसे आज है थर्सडे और अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी नवंबर 4 तारीख को, जिस दिन दिवाली आती है। तो अभी मैं फिर से कोई ट्रूथ या डेयर चूज करती हूँ। ट्रूथ, देखते हैं क्या ट्रूथ मिला है मुझे। हैव यू एवर चीटेड इन ए एग्जाम? तो हाँ, मैंने 2 बार शायद एग्ज़ाम में चीटिंग की है। और हाँ, आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। अरे, स्कूल में मैथ का टेस्ट था, मैथ का एग्ज़ाम था, और मुझे ना एक आंसर नहीं आ रहा था। तो मैंने गलती से, मेरे सामने जो बैठा था उसका पेपर देख लिया, और फिर उसका, और मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था दिमाग में आंसर। तो उसने जो आंसर लिखा था मैंने वही कॉपी करके लिख दिया। तो ऐसे ही की थी मैंने चीटिंग। ये थी छोटी सी स्टोरी। फिर से सफल करती हूँ। मुझे लग रहा है 2 उठा लिए मैंने। डेयर फिर से, ठीक है? तो मुझे डेयर मिला है से हैप्पी दिवाली टू समवन। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। स्मार्ट हूँ मैं बहुत बार अपने बाल ठीक कर रही हूँ।
ठीक है। तो नेक्स्ट ये मुझे क्या मिला, फिर से डेयर, देखते हैं क्या डेयर मिला है मुझे। येल आउट द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड। ओके, तो ये डेयर भी कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी डेयर था ये, मुझे डेयर बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैं ये चिट फाड़ के फेंक रही हूँ। एकदम बेकार डेयर था फेंक दिया मैंने। तो अभी नेक्स्ट, ट्रुथ, इस बार ट्रुथ आया है। हैव यू एवर हैड ए पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस? तो नहीं, मुझे कभी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, मतलब मेरे साथ कोई कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई है। अगर आप लोगों के साथ हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, पढ़ने में मज़ा आएगा। अभी नेक्स्ट, मैं आंखें क्यों खोल रही हूँ, डेयर, ट्राई टू लिक योर एल्बो, मुश्किल डेयर है ये तो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कितनी बार मैं अपने बाल ठीक करूँगी, करती हूँ मैं। अब पता नहीं मेरे से हो रहा है या नहीं, एक और बार कोशिश करती हूँ मैं। थोड़ा तो हो गया, थोड़ा सा हो गया बहुत टाइम से वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी मैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कल तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं आज का वेट कर रही थी कि कब थर्सडे आए और मैं फिर जल्दी से वीडियो बनाऊं। तो अभी सिर्फ 4 चिट्स ही बची हैं, तो अभी देखते हैं क्या आता है, ट्रुथ या डेयर। ट्रुथ आया है इस बार। व्हाट्स द लॉन्गेस्ट टाइम यू हैव एवर गॉन विदाउट बाथिंग? तो मतलब मैं कितने टाइम तक बिना नहाए रही हूँ। मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, शायद 3 दिन या 4 दिन, जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट, बहुत ही पागलों वाली हरकतें कर रही हूँ मैं। डेयर मिला इस बार। पुट एज मैनी स्नैक्स इन टू योर माउथ एट वंस एज यू कैन। तो मतलब एक बारी में मैं जितने स्नैक्स अपने मुंह में फिट कर सकती हूँ उतने मुझे खाने हैं। मैं खाने के बाद आपसे बात करती हूँ। अभी सिर्फ 2 ही चिट्स बचे हैं, तो चूज़ करती हूँ मैं इन दोनों में से कोई एक चिट। दोनों में से ट्रुथ ही हैं, ट्रुथ ही, क्योंकि दोनों ट्रुथ ही हैं। हाउ मेनी सेल्फीज डू यू टेक अ डे? मतलब मैं एक दिन में कितनी सेल्फीज लेती हूँ? तो मैं एक दिन में शायद 10 या 12 सेल्फीज लेती हूँ वैसे। हाँ, 10 या 12 सेल्फीज लेती हूँ मैं एक दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 1-2 सेल्फीज ही लेती हूँगी मैं। ये लास्ट चिट बची है, तो देखते हैं इस चिट में क्या होता है। वैसे ट्रुथ ही है ये। डू यू हैव एनी फोबियास? तो हाँ, मुझे रेप्टाइल्स से डर लगता है और थोड़ा बहुत हाइट से भी डर लगता है। हाइट से वैसे नज़ारा देखने में डर नहीं लगता, नीचे देखने में डर लगता है तो अभी ये चैलेंज तो ख़त्म हो गया, लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं हुआ। मेरा थोड़ा मन कर रहा है, जब से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ब्यूटी शॉर्ट्स दिखाऊँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको ब्यूटी शॉर्ट्स मेरे।
अच्छे थे ना वीडियो शॉर्ट्स। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं एक गाना भी गाऊं, तो मैं सोचती हूँ मैं कौन सा गाना गा सकती हूँ। सोच रही हूँ 2000 years later सोच लिया मैं कौन सा गाना गाऊंगी, छोटा सा ही गाना गाऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। मैं ब्यूटी शॉर्ट्स भी दिखा चुकी हूँ, चैलेंज भी कर चुकी हूँ, गाना भी गा चुकी हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आपको मेरी ऑल वीडियो नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं बोलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैलेंज यस, तो मुझे डेयर मिला है हैप्पी